में आप लोगों को क्लास सिक्स में मिलने के लिए आया हूँ। सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट पे जो मैं पिछले क्लास में कुछ लिया हूँ, कुछ बताया भी हूँ, आज मैं वहाँ जहाँ तक मैं पढ़ाया उससे आगे मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हमारा यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री तक पढ़े थे, आज हम लोग आपका अगला पॉइंट आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। हम लोग जो है उसको कैसे हम लोग क्लेरिफाई करेंगे, सिग्निफिकेंट करेंगे कि हम लोग हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है, किस हिसाब से बांटा गया, कैसे समझेंगे कब कितने साल पहले, कितने सौ साल पहले, तो उसको हम लोग एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। तो इन हिस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ये बहुत ही जरूरी है हाउ टू टेल द डेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट, हम लोग उसको कैसे बांटे, कैसे समझे, कैसे जाने इवेंट्स कोई भी घटना घटा। देयरफॉर द हिस्टोरियन जनरली काउंट द ईयर, हर कोई जो हिस्टोरियन जो जिसको बारे में इतिहास के बारे में जिसकी जानकारी है वो सबसे पहले ईयर के ऊपर पकड़ता है, तो ईयर के अकॉर्डिंग वो जानना चाहता है। और बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या उससे जीसस क्राइस्ट के, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का ही मेन रखा गया है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, तो उसके हिसाब से पीरियड को बांटा गया है। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पीरियड के पहले की जो बात है उसको हम लोग बीसी में रखा गया, उसको बीसी में काउंट किया गया है, ठीक है। बिफोर बीसी में बताया गया था आप लोगों को बिफोर क्राइस्ट, ठीक, उसको जब सबसे पहले को बीसी में रखा गया, जिसको कि हम लोग एज हम जो क्या कहते हैं उसको बीसीई में ही उसको कहा गया, बीसीई बोला गया है, ठीक है। एंड द पीरियड आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद, ये बर्थ से पहले की हो गई, और आफ्टर द बर्थ हुआ था उसको हम लोग एडी जानते हैं, और एडी को जो है उसको लिया गया है ओनली सीई, उसको सी के रूप में बोला गया है। तो यहां पर अगर हम एक टाइम लाइन अकॉर्डिंग अगर हम टाइम लाइन अगर चले तो टाइम लाइन में यहाँ पे ये यह हमारा बेस पॉइंट अगर हम ले लें बेस पॉइंट, ठीक, तो इससे पहले हमारा वन बी सी यहां हो गया, टू बी सी, थ्री बी सी, फोर बी सी, और इधर लिया गया लिया जाए बी, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि कहता है फोर बी सी कम्स बिफोर वन सी बी सी, अगर हमको यहाँ पर जाना है तो हमको यहां से आना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ेगा, ठीक। तो वन बी सी एंड फोर सी कम्स आफ्टर वन सी, अगर हमको यहां आना हो तो हमको यहां से हमको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ये कौन सी, इफ वी टेक टू, अगर यदि हम लोग बोले 200 बी सी तो इट विल कम आफ्टर 2000 बी सी, तो वन अगर 2000 बी सी अगर हम लोग यदि काउंटिंग करें 2000 बी सी, इसका मतलब ये हो गया कि 2000 BC, मतलब एक जो है दो के बीच का टर्म का जो है 10 टाइम्स को इसको मल्टीपल किया गया है, ठीक। तो 10 टाइम्स मतलब हो गया, अगर 200 गए तो 2000 हमारा BCE में हमारा काउंटिंग है। उसी तरह अगर हम और 200 CE चले तो वो मेरा इसका मतलब हो गया 200 CE चले तो 2000 CE, यह एक दो के बीच का जो टर्म को लिया गया वो 10 पॉइंट में लिया गया। तो बाय लुकिंग केयरफुली, अगर हम केयरफुली ढंग से अगर देखें टाइम लाइन को, तो वन कैन नोटिस दैट इन द पीरियड बिफोर क्राइस्ट इरा वन हैज टू काउंट द डेट्स बैकवर्ड, हम लोग अगर यहां जाए तो बैकवर्ड में चलते हैं, वेयर एज इन द पीरियड आफ्टर द क्राइस्ट इरा द डेट्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, हम लोग यहां पर फॉरवर्ड में चलते हैं, ये बैकवर्ड में हम लोग चलते हैं। तो क्वाइट ऑफन द कम अक्रॉस सम ऑफ द अदर टर्म इन हिस्ट्री सच एज डिकेड्स, मतलब कहने मतलब यहां देखिए डिकेड में लिया गया, दो टर्म के बीच में डिकेड को रखा गया, 10 टाइम्स को रखा गया, जैसे जैसे टाइम्स में अगर हम लोग डिकेड में भी लिए चलेंगे, अगर सेंचुरी में जाएंगे तो सदी में 100 साल की बात हो गया, मिलेनियम में अगर चलेंगे तो वो 1000 वर्ष के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा टाइम लाइन के बारे में, अब हम लोग यदि कुछ चले हम लोग ज्योमेट्रिकल टाइम पीरियड को अगर हम लोग चले टाइम फ्रेम में, तो हमारा कुछ एक हमारा नक्शा बनाया, देखिए हमारा इंडिया का मैप दिया गया, तो हम लोग इसका ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक कंडीशन को अगर हम लोग जाने तो क्या क्या हमारा कंट्री में हमारा क्या क्या हुआ इन हिस्ट्री में। द ज्योग्राफी ऑफ ए लैंड ऑफ ए प्लेड ए वाइटल रोल इन हिस्ट्री, मतलब अगर हम जो ऐतिहासिक रूप से अगर हमारा चला जाए जमीनी स्तर में चला जाए तो कह रहा है कि बहुत सारा रोल हुआ, बहुत सारा खेल हुआ,
हमारा इस पीरियड में, पिछले के पीरियड में, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अर्ली सेटलमेंट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अराउंड द पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो है बहुत सारे ऐसा बहुत सारे कारण हुए और बहुत सारा घटना घटा जिसके बाद हम लोग सेटलमेंट हुए, लड़ाई भी हुई उस पीरियड में, हमारा बहुत सारे लड़ाई हुआ, तो वर्ल्ड में हमारा सब आदमी व्यवस्थित हुआ, कौन किस एरिया में कहाँ कहाँ ठहरा रुका, तो वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वर्ल्ड इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, तो ये सब ज्योग्राफी में सब आपको मिल जाएगा कौन किधर कहाँ कैसे अपना अपना बसेरा बनाया। All the early civilization like the Mesopotamian, Indus Valley and Egyptian civilization, जितने भी सभ्यता थे, were located in and around the river Delhi. ये सब जो है हमारे जितना Delhi हुए, river हुए, सब हमको उसके आसपास के चारों एरिया में अपना डेरा बसेरा बनाना शुरू कर दिया। The history of India has also been affected by the physical feature of the land and study and given back carefully. अगर हम इसका पूरा फिगर अगर हम लोग करें, फीचर पढ़े, बहुत सारा कारण पढ़े, तो हमको बहुत सारा चीज मिल जाएगा इस मैप के अकॉर्डिंग, अगर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन और द ग्रेट हिमालय, अब हमारा नॉर्दर्न माउंटेन अगर नॉर्थ के हिसाब से अगर चले तो हमारा हिमालय क्षेत्र को बता रहा, तो वो नॉर्दर्न क्षेत्र हिमालय, तो वहां पर भी हमारा मैक्सिमम आदमी सब हमारा जो है सिविलाइजेशन सब हमारा वहां पर व्यवस्थित हुआ। द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, एक नेचुरल बैरियर हमारा काम है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन अच्छे जो हमारा नेचुरल बैरियर हमारा काम कर गया, जिसमें हमको कोई और घेरने का या हमको वहां पर रक्षा करने का या देखने का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता, नेचुरल बन गया। दे चेक द इन्वेडर्स इन द पास्ट, मतलब हमारे पास्ट में जो है हमारा जितने भी चीज वो सब इन्वेडर्स हमारा किसी वो के हम खाते थे, हम लोग चेक कर लेते थे कौन किधर से आया। जो हमारा ये लो लेवल था, जैसे हिमालय का जो हमारा ऊंचा चोटी एरिया था और उससे जो हमारा जो लो एरिया था, उसी लो एरिया से हमारा इंडिया से आना जाना हमारा हमारा होता था, तो उसी को हम लोग कहते थे पासेस, वहीं से हमारा गुजरता था आदमी लोग ट्रेवल, और हमारा ट्रेवल करता था जो बाहरी आदमी लोग जितने भी अदर कंट्री से अदर हमारे पूरे वर्ल्ड के जो आदमी हमारे खाते थे, ठीक, पीपल टू ट्रेवल एंड इन और आउट इंडियन फ्रीक्वेंटली, लाइक पीपल लाइक ट्रेवलर्स पिलग्रिम्स स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हुए, बहुत सारे हमारे जो है योगी सब हमारे आए, ट्रेडर्स आए, व्यापारी आए, इट इज ही हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस दिस पासेस, ये जो पास हमारा जो बना जो लैंड जो हमारा धरती एरिया था लो एरिया था, पासेस थ्रू लो आइडिया कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू मेक आवर कल्चर मोर डाइवर्सिटी, और बहुत तरह की विविधता में एकता को बनाने के लिए वो ऐसा ऐसा काम करते आते गए और हमारा बहुत सारा क्षेत्र में डेवलप होता चला गया। तो आज हम लोग यहाँ तक जिक्र किए, फिर आगे हम लोग जो है जिक्र करेंगे ये हम लोग साउथर्न माउंटेन के बारे में, अब नॉर्थ प्लेन एरिया के बारे में अगली क्लास में।